कैसे हो गाइस तुम लोग, और वापस से आ चुका हूँ मैं BMW के अंदर। BMW क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस गेम का जो नाम है भाई, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है ब्लैक मिथ वुकोंग। ब्लैक मिथ वुकोंग की जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो बनता है BMW। खैर जो भी हो, इस गेम को फर्स्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था। खैर जो भी हो, तो उसमें सीन क्या होता भाई कि हमें पता चलता है कि ये गेम काफी ज्यादा हार्ड है। सेकंड चीज ये पता चलती है कि ये गेम गॉड्स के ऊपर है, चाइनीज माइथोलॉजी के गॉड्स के ऊपर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट टाइम हुआ क्या था। तो हुआ कुछ यूं था कि भाई हमें दिखाया जाता है एक मंकी गॉड जिसका नाम है वुकोंग, जो कि जाता है बादलों की राइड करते हुए स्वर्ग में, जहां पर कुछ तो गॉड्स वगैरह होती है जिनसे भाई अपना लफड़ा होता है एंड फाइट होती है। फाइट में एक बंदा कहता है कि भाई दम है तो हरा के दिखाओ, और अगर हरा दिया तो पीछे जो गॉड्स खड़े हैं पीट देंगे पकड़ के। तो ऑब्वियसली वुकोंग किसी से हार सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो मैं पीट देता हूं भाई उसे, और वो बंदा अपने पीछे वाले गॉड्स को बुला देता है मेरे ऊपर फाइट के लिए। मुझे वहां से भागना पड़ता है चील कौआ बन के, पीछे पड़ जाता है वो तीन आंखों वाला बंदा, वो भी चील कौआ बन के। हम दोनों भागते भागते टकरा जाते हैं एक पहाड़ के अंदर, और उसके बाद आज तक किसी को नहीं पता चला कि वुकोंग का क्या हुआ। बस ये मान्यता है कि वुकोंग जो है उसके छह टुकड़े हुए, उसके सोल के छह टुकड़े हुए, और वो फैल गए भाई इस पूरे जंगल के आजू बाजू। अब जो एक बुढ़ा सा बंदर होता है वो कहता है कि भाई अगर किसी बंदर में दम है तो जाओ भाई वो छह रिलिक्स यानी वो छह टुकड़े जाओ इकट्ठे करो और वापस से जिंदा करो भाई वुकोंग को। अब पता नहीं गाइस वुकोंग जिंदा होगा या फिर मेरे अंदर ही वो छह टुकड़े कलेक्ट करने के बाद पावर आ जाएगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। बट अभी मैं वो बंदर हूँ जो निकल चुका हूँ वो छह टुकड़े ढूंढने के लिए। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या सीन चल रहा है। तो चलो, लास्ट टाइम यार यहाँ पर दो बॉसेज हैं, उनसे फाइट करने में मेरी हालत खराब हो गई थी क्योंकि मैं कीबोर्ड पे खेल रहा था। बट टुडे आई एम रेडी विद माय कंट्रोलर। यस, अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं कंट्रोलर की स्किल्स, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है भाई। मैंने आज तक जितने भी गेम खेले हैं मोस्टली कीबोर्ड वगैरह पे ही खेले हैं, कंट्रोलर पे मैंने बस क्रिकेट खेला है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कंट्रोलर पे कोई सा भी गेम खेला है। तो इतनी भी बढ़िया स्किल्स नहीं होने वाली है, बट हाँ धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी टेंशन नहीं लेते भाई, सीख जाएंगे, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर मैं यहाँ पर सोच रहा था कुछ स्किल्स बढ़ा लिए जाए क्या, स्टैमिना बढ़ा लूँ क्या, थोड़ा सा स्टैमिना बढ़ा लेते हैं यार। देखो इस गेम के अंदर ये गुंडों को मारने पे हमें मिलता है स्पार्क्स, जो कि सबसे जरूरी होता है। फिलहाल आ जाओ इनको टपकाते हैं। ओके, मैं पीछे क्यों हट रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे कंट्रोल सीखने पड़ेंगे यार कंट्रोलर पे। लास्ट टाइम कीबोर्ड पे खेला था और आज कंट्रोलर पे खेला। ओह डैम, क्या बात है भाई, क्या बात है। एक सेकंड, मेरी तलवार उसे लग भी नहीं रही, और एक सेकंड मेरे पास तलवार नहीं है, ये मेरे पास क्या है ये, अबे क्या बोलते हैं इसे, डंडा, लाठी है भाई लाठी। खैर हमें इधर जाना है। चलो गाइस सबसे पहले उस आग वाले बॉस को पीटते हैं जाके। भाई पिछली बार कूट दिया था, कीबोर्ड माउस पे था ना मैं, इसलिए आज देखो कैसे इसकी बैंड बजाता हूं मैं। ओए आ जाओ, सबसे पहले तो यहां पर वो तीर वाला बंदा मिलेगा, ठीक है पहले तीर वाले भालू से लड़ते हैं। आ जा भालू ब्रदर, आई एम रेडी टू फाइट, कम ऑन, फेंक तू तीर अपने। यार ये भी एक नमूना ही है। खैर चलो भाई, ये ले भालू ब्रदर, पिट जा रहे हाथों से, फिनिश। यस ऑब्वियसली गाइस ये तो होना ही था। खैर अभी चलते हैं। देखो मेरे पास अभी स्पेशल एबिलिटी सिर्फ एक ही है, और वो है ये इमोबिलाइज की स्किल। इसके अंदर भाई मैं उसे फ्रीज कर सकता हूँ एक ही जगह पे, दो सेकंड तीन सेकंड के लिए, या फिर शायद एक सेकंड के लिए। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि बार बार मुझे इस स्किल का यूज करना है। खैर कम ऑन, आर यू गाइस रेडी? मैं तो हूँ रेडी। पता नहीं फर्स्ट टाइम में मैं आज इसे बीट कर पाऊंगा कि नहीं, बट कोशिश पूरी रहेगी। भाई उसके पास भी डंडा है लेकिन उसके डंडे में आग लगी है। कम ऑन, अगर वुकोंग को जगाना है या खुद भी वुकोंग बनना है तो इसे हराना है। कम ऑन गाइस लेट्स डू दिस, आजा लौंडे, दम है तो आजा आजा आजा, कम ऑन बड़ी बड़ी आजा, कम ऑन बड़ी। अबे यार फटका पड़ गया मेरे। ओके बड़ी, ये ले। इस गेम की एक चीज मुझे पता चली है गाइस, इस गेम के अंदर जितना डॉज कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉजिंग एबिलिटी इस गेम की जान है भाई, जितना तुम डॉज कर सकते हो वही सबसे ज्यादा तगड़ा खिलाड़ी बनेगा इस गेम का। ओके आ जाओ, सबसे पहले तो एबिलिटी का यूज करते हैं, कम ऑन एंड लेट्स हिट इट। चल ले अब बड़ी भाई, आजा आजा लौंडे। ओ नहीं, बस बस बड़ी बस, इतने जोश में नहीं आना है। ओके ओके, दारू पियो, आई मीन गुट्टी पियो, जो भी है ये। ओ तेरी आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके आर यू रेडी बड़ी? अरे क्या बात है भाई, तवाही मचा दी। भालू भालू है क्या ये, पता नहीं जो भी है, आजा लड़ बड़ी। ओके ये टाइम देता है मुझे इस वक्त इसके ऊपर हमला करने का, मुझे ये ध्यान रखना है। जब ये चरखरी से चलाता है तब टाइम मिलता है इसके ऊपर हमला करने का, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना होगा। देन इसे बीट कर सकते हैं, ये अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा, अब ये फाइनल अटैक एंड अभी मौका मिलेगा इसके ऊपर अटैक करने का। एक सेकंड भाई साहब, आग लगा दी तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। अब बोल लो
ओके ओके, फटका मारा है, डंडे का फटका मारा है। एक तो यार इस बंदे की हेल्थ इतनी कम है ना, क्या ही बताऊं, जरा जरा सी बातों पे इसकी हेल्थ गिर जाती है। ओके फाइनली अटैक, कम ऑन बड़ी, मार फटका। ओके ओके, पूरे जोश में आ गया हूँ भाई मैं अचानक से, आज कंट्रोलर पे पूरे जोश में हूँ मैं। ओ नो, मेरी हेल्थ। कम ऑन, मेरी हेल्थ इतनी लो क्यों है भाई। वो आग भी लगा रहा है क्या? ठीक है, उसकी आग से बच के ये ले ले। ओ नहीं 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 नहीं, जो इमोबिलाइज वाली पावर है मैं डायरेक्टली उसका यूज करूंगा। तब तक डॉज, जस्ट डॉज। यार थोड़े हेल्थ का पोशन और मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता हेल्थ का पोशन कम है थोड़ा सा? बै मार दिया यार उसने। ठीक है कोई बात नहीं गाइस, फिर भी हेल्थ हम लोग काफी लो कर चुके थे उसकी। ओके रेडी अगेन, लेट्स डू दिस, कम ऑन। गुआंगजी, कैसा नाम है यार, तेरे माँ बाप ने नाम सोच समझ के नहीं रखा क्या? गुआंगजी ये कैसा नाम है? जहाँ पहले नाम बदल गया तब फाइट करूंगा मैं तेरे से। मुझे लगता है वो फायर वाला पोशन खरीदना ही पड़ेगा, केमिकल आई मीन। ओके कह रहा है तुम बस उसकी तरह दिखते हो भाई, वो कौन की तरह, उसकी तरह ताकत नहीं है। रुक जा बेटे, तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। हमेशा मैं थोड़ा उससे बच के खेलता हूँ, इस बार थोड़ा अटैकिंग मोड में रहेंगे। आई एम कमिंग फॉर यू बडी। ओके ओके ओके, तो फाइनली ये मरने वाला है, पता नहीं मरेगा कि नहीं। एक सेकंड रुको भाई, अभी बहुत परेशान कर दिया ब्रो तूने बहुत ज़्यादा। ओके ओके, अबे रुक जा, ओए रुक जा भाई रुक जा, दो मिनट रुक जा। ओके बच गए, नाइस डॉज। ठीक है गाइज, बस थोड़ी देर का मेहमान है ये, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। ओके ओके ओके, नाइस, ये मारो भाई मारो, यस बस एक सेकंड का मेहमान है। अब रुक जा अब ब्रो, तू मरने वाला है, अब बहसबाजी नहीं। यस गॉट इट, फाइनली खेल खत्म। जंगजू गंगजू भाई का, ओ वेट मेरी हेल्थ देखो भाई, ओए रोल कर, व्हाट द हेल, क्या हुआ ये, मैं भी मर गया वो भी मर गया दोनों ही मर गए। अच्छा मैं जल रहा था, ओके मैं कह रहा भाई मेरी हेल्थ देखो और मैं जल रहा था, वाओ तो बात बन गई कि नहीं। तो यस डेफिनेटली वो मर चुका है। और एक सेकंड वो क्या है, ओ उसका हथियार, अरे भाई हथियार मिल गया, बेहतरीन सा कुछ तो मिल गया। एक सेकंड गाइस रुको, ओ भाई साहब क्या बात है, और इसे भी मैंने अपने काम में डाल लिया, वाओ। इसका नाम है रेड टाइड्स, ठीक है। ओ एक और वेपन हो गया मेरे पास ये। ओके तो मेरे अंदर अब उसके जैसी एबिलिटी आ गई है एग्जैक्टली। ओके तो जो बंदा अभी तुम लोगों ने देखा, अब मैं उसकी तरह बन पाऊंगा। यस ये स्पेशल एबिलिटी आ गई भाई उसका वेपन मेरे पास होने से, ये तो बढ़िया है। खैर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है यार इसने मेरा, बट अभी चलते हैं आगे। और आगे वो जो थैनोस का बच्चा उसे भी मारना है। ये क्या है, सोल मिल गई क्या, वो चेरेलिक्स नहीं, ये तो कुछ और है। Where to go? एक सेकेंड, इधर घंटा है, घंटा बजाते हैं, आ जाओ। Ring the bell, देखते हैं घंटा बजा के होगा क्या आखिरकार। ओके बहुत ही बढ़िया, और आज सारे चील कौए उड़ गए भाई, सबको बता रहा हूँ क्या कि मैं आ चुका हूँ। अच्छा मुझे आवाज़ करनी थी, ठीक है हराने के बाद सबको बताना था बस कि मैं आ चुका हूँ। ठीक है आ जाओ गाइस, चलते हैं आगे। आई गेस यहाँ से रास्ता है, बट उससे पहले लड़ना पड़ेगा उस थैनोस से, तभी ये रास्ता खुलेगा। ओ नहीं रास्ता नहीं है यहाँ पर, इधर भी एक घंटी है, कुछ नहीं है वो। तो चलो आ जाओ उस थैनोस से लड़ते हैं। मेरे पास एक स्पार्क है, फिर से कुछ एबिलिटी अनलॉक करते हैं। पिलर स्टांस, हाँ ये ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैं अब पिलर स्टांस में आ सकता हूँ। वेट अबे कैसे आऊँगा मैं पिलर स्टांस में, हाँ इस तरीके से, देख रहे हो भाई तुम लोग कितना एपिक चीज़ है ये। अबे करना भाई कर, एक सेकेंड, जस्ट लाइक दिस, बढ़िया। और कोई है क्या इधर, हेलो एनीवन एल्स, ओके वो रहा, आ जाओ सर जी आपको भी क्विकली पीट दिया जाए। खैर अभी मुझे लग रहा है उससे फाइट करनी है, वो रहा थैनोस का बच्चा, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है गाइस। पता नहीं इसको हराने में कितना टाइम लगेगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे जल्दी से जल्दी। अबे अरे पीछे से हमला करता है नालायक, कौन है तू? ओके आ जाओ गाइस थैनोस से फाइट करते हैं, कम ऑन आर यू गाइस रेडी। हेलो थैनोस बड़ी, पहले तो इसे फ्रीज करो और अटैक करो एक जोरदार, भाई साहब क्या लठ मारा है इसके। ओके ठीक है और भाई क्या पावर है उसके पास, अरे हाँ पिछली बार इसके सामने आया तो था मैं। ओके ओ चेंज हो गया मैं, इसमें चेंज हो गया गाइस। ओके अरे मारना भाई, अरे ये आप क्यों नहीं आग लगाता, अरे आप क्यों नहीं आग लगा रहे, ये बिल्कुल गलत टाइम पे मैं चेंज हुआ यार इसमें।
ओके ओ कम ऑन बैक। और भाई साहब क्या स्ट्रॉन्ग बंदा है वो लिटरली में। भाई साहब पीट दिया उसने। लास्ट वाला अटैक कैसे डॉच करूँ यार मैं? लास्ट वाला अटैक डॉच करना सीखना पड़ेगा उसका। ओके 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 डॉच कर गया। नाइस करो भाई इसे स्टन करो मारो बढ़िया मजा डालो इसकी ऐसी की तैसी। गिरा 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 के मारो भाई गिरा के मारो इसे मारो इसकी ऐसी की तैसी बढ़िया भागो भागो भागो। ओके रुला दिया उसे मैंने। ओके अरे ये तो हल्के जैसी पावर्स है इसके पास। ये लो बड़ी ओ नो क्या वो कैसा अटैक था भाई एक बार में लिटा दिया उसने। ठीक है कोई बात नहीं मैं फ्री 50% की हेल्थ पे तो ले ही आया था उसे। समझ गया भाई कैसे करना है। ये लो तेरी ऐसे की तैसी। ओके ये लेना। अबे यार क्या है वो भाई उसके पास रह के नहीं अटैक कर सकते। अरे ये तो ये भालू बेमतलब के पंगे लेने के लिए आ गया। अरे भाई क्या है ये बंदा भाई। ठीक है स्ट्रांग है हल्के में नहीं। हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया भाई और मेरी हेल्थ देखो इस वक्त फुल है और मेरे पास वो गुट्टी भी है लेकिन ओ नो फाइनल अटैक इसका बच गया। ठीक है और मेरे पास अभी भाई वो गुट्टी वगैरह भी फुल है मतलब फुल नहीं है आधी है बट अभी मुझे लग रहा है इस बार में तो ये फिनिश हो जाने वाला है फाइनली। बहुत परेशान कर दिया यार इसने मुझे लिटरली में तुम्हें लग रहा होगा भाई 2-3 ट्राई में मर गया नहीं काफ़ी ज़्यादा ट्राइज लगे हैं बट फाइनली अभी अगर रुक जा भाई रुक जा 2 मिनट बात कर रहा हूँ मैं बात करने दे। ओके ओके फ्रीज कर दिया है। अबे यार अनफ्रीज भी हो गया वो इतनी जल्दी जब तक मैं उसके पास पहुंचूं। ठीक है कोई बात नहीं अभी भी अपने पास फुल मौका है आराम से फिनिश कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है यार मैं बेमतलब मैं इससे पिटता आ रहा हूँ। अब मेरे को इसकी ट्रिक पता चल गई है सिंपल सी ट्रिक है ऐसे मारते रहो गिर जाए फिर मारो और फिर जब उठ जाए फिर मारो भाई मारते ही रहना बस इसे कुल मिला के। और हेल्थ पूरी तुम लोग देख सकते हो लगभग 5% की हेल्थ बची है उसकी। ओ मेरी भी हेल्थ आधी ही बची है और मेरा चार्ज हो रहा है भाई वो जो फ्रीज करने वाला पावर है एक बार चार्ज हो जाए फिर डायरेक्टली उसी से फिनिश करेंगे। रुक जाओ अभी चार्ज हुआ नहीं है। ओके अबे जल्दी हो जाओ। ओके चार्ज हो गया नाइस ये किया फ्रीज और बजा दिया जोरदार लाठी इसके अंदर और फिनिश यस डिफीटेड वॉन्डरिंग वेट डिफीट कर दिया भाई से। और इसके पास से कुछ तो मिला है क्या है ये कुछ तो सोल वगैरह मिला है एक सेकेंड इसे उठाने की अबे उठ नहीं रहा ये। चलो भाई शुरुआत के दोनों बॉसेस तो बीट हो गए एक सेकंड मेरे पास कुछ स्पार्क्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं क्या इंक्रीज करूं पहले तो ये हेल्थ थोड़ी सी इंक्रीज करता हूं यस। और ये क्या चीज है स्टैमिना भी चलो इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ अभी तो ये दोनों जरूरी था आगे बढ़ते हैं स्टैमिना एंड हेल्थ अपने पास थोड़ा आ चुका है एक्स्ट्रा। ओ वाओ भाई आगे क्या है ये अच्छा मैं अभी पहाड़ पे हूँ ना। अरे क्या उड़ रहा है भाई ऊपर क्या उड़ रहा है वो एक सेकेंड ठीक है उसे मार नहीं सकता मैं मटका सा दिख रहा है यार फोड़ना है क्या उस मटके को मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भाई रुको इस पे छोड़ो नहीं फूटेगा लगता है लेट्स गो। ओ नहीं गिरना नहीं है भाई कितनी हाइट पे हूँ कैसे जंगल का मौसम हो रखा है। इधर चलते हैं भाई सब कैसे रास्ते हैं ये सब। ओके नेक्स्ट बॉस कब मिलेगा भाई चाहिए नहीं वैसे मेरे को तो आ जाओ भालूओं। लो भाई नमूने आ गए अरे 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 भाई बस ब्रदर बस पहले तो उस तीर वालों को मारते वरना वो परेशान करता रहेगा एक सेकंड गाइस ये ले तेरी ऐसी की तैसी फिनिश एक बार में ही। ओके ये ले ब्रदर अरे तगड़ा ही बंदा दिख रहा है ये तो एक सेकंड ब्रदर मेरे से पंगे नहीं तू जानता नहीं मेरे बारे में लगता ठीक है निपटा दिया बस फिनिश इतना ही थे। इधर कुछ रास्ता है नहीं चलते हैं भाई आगे सीढ़ियों पे कुछ तो टेंपल अच्छा हाँ यहीं पर तो आना था इसी टेंपल में आग लग गई थी और इसको बाद में फिर रिपेयर किया गया था ऐसा वो भालू बता नहीं भालू नहीं वो बुड्ढा बता रहा था जो लास्ट टाइम मुझे मिला था वो रहा वो बुड्ढा फिर से आ गया कहाँ भाग गया वो बुड्ढा। ठीक है यहाँ पर फिर से सेव कर लेते हैं अपने गेम को मुझे लग रहा है फिर कोई बॉस फाइट आने वाली है। ये चीज ये जो छोटा सा ये श्राइन है जब जब दिखता है तब तब तो आगे बॉस मिलने वाले होते हैं बट यहाँ पर क्राफ्ट आर्मर का ऑप्शन आ रहा है वो ये कब मिला पिलग्रिम्स हेडबैंड इससे डिफेंस बढ़ रहा है ठीक है चलेगा बढ़िया है डिफेंस वैसे भी अपने को चाहिए। और इसे नए आर्मर को लगा लेते हैं इसके अलावा भी मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ ये सूट ओ तो बनाओ ना भाई क्यों नहीं बना रहा मैं ये सब चीजें। इसके अलावा ये क्या है इससे भी डिफेंस बढ़ेगा बनाते रहो शूज भी बन जाएंगे
ओके शूज भी है, इससे भी डिफेंस। भाई क्यों नहीं बनाई मैंने अभी तक ये चीजें। तो अभी मेरे पास बढ़िया से कपड़े वगैरह भी आ चुके हैं भाई। अबे इसने आर्मर पहना क्यों नहीं भाई, एक सेकंड। और वो जो अभी उस थैनोस के बच्चे को मारा है शायद उससे ये मिला है, ये भी लगा लेते हैं, कुछ तो हेल्प करेगा ये। बस यही सब है मेरे पास। ठीक है भाई आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वापस अपनी हेल्थ रीस्टोर कर लूँ। कुल मिला के वही है भाई, इसके अंदर जो 6 रिलिक्स हैं उन्हें ढूंढना है एंड बात खत्म। ओ एक और सोल, इसे भी पकड़ लेते हैं। ठीक है विल मिल गया, आगे चलो भाई। ये क्या है, अरे वाह भाई पुराने जमाने का पर्दा। अबे ये क्यों बार बार रेड हो जाता है। ओ कोई पावर मिली है क्या, मुझे लग रहा है मैं फास्ट दौड़ पा रहा हूँ पहले से। ओ डेफिनेटली ये जब से स्वर्ड मिली है, आई मीन जो भी है ये जब से मिला है मैं थोड़ा फास्ट दौड़ पा रहा हूँ। चेस्ट दे दो यार कुछ, थोड़ा सा गोल्ड। यस डेफिनेटली गाइस पहले से मैं थोड़ा सा फास्टर हो चुका हूँ। ओके तो वो बुड्ढा कह रहा है अगर एक बार गेट पार कर लिया तुमने तुम वापस नहीं आ सकते। आना भी किसको है, आना भी नहीं चाहता बड़ी कोई। वैसे भी अब तो बस वुकोंग को जिंदा करके ही रहना है। आ जाओ गाइस चलते हैं गेट पार करते हैं। इसी गेट की शायद वो बात कर रहा है। निकल लिए भाई गेट पार करके निकल लिए। ओ नो कोई आ रहा है। अरे तेरी भाई आ गया नमूने। लिंगजू नाम है, लिंगजू। अबे लुंगी रख ले इससे बढ़िया तो। और भाई भाई एक बात बताओ, यहाँ सारे बंदे क्या लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं? जिसको देखो भाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है बिल्कुल, है कहाँ? ओ तेरी, अरे रुक जा भाई थोड़ा सांस लें दे। बस ब्रदर बस 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 ब्रदर बस बड़ी ये ले तेरी ऐसी की। अबे कुछ हो भी रहा है उसे। ओके नाइस, क्या कर रहा है वो? एक सेकंड इसके अटैक समझने दो। कम ऑन, ओरे भाई पावरफुल तो है यार ये बंदा। एक सेकंड, ये ले तेरे में आग लगाता हूँ। ये ले यार इसको कुछ फर्क भी पड़ रहा है नहीं? ओके पड़ रहा है, ऑब्वियसली पड़ रहा है। ओके आजा बड़ी आजा, तेरे इंतजार में बैठा हूँ मैं। कम ऑन आई एम रेडी बड़ी। अरे भालू है बिल्कुल ही। ओरे भाई तेरी ऐसी की तैसी, क्या ये सुअर ही बिल्कुल। और भाई एक सेकंड रुको गाइस रुको। ओ तेरी, कहाँ ले गया मुझे ये, पावरफुल कितना अटैक है इसका। अबे उठना ब्रो उठ, हेल्थ बढ़ाओ। वो कुछ तो तैयारी में है, पहले फ्रीज करो। कम ऑन एक सेकंड, मारो इसकी ऐसी तैसी, बजाते रहो। ओके एक सेकंड, चार्ज कर हाथ कर ये ले। ओ वो कहाँ पहुँच गया, वो क्या करने के इरादे में है नीच। ओ तेरी ओके ओ मार दिया ऑलमोस्ट मार दिया भाई बंदे ने। ठीक है कोई बात नहीं, चलो पीछे चलो भाई। अरे कितना घुमाएगा यार ब्रो तू, मर जा। ओके गाइस ओके बच गए। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जा तैयार हूँ मैं। आ जा ना भाई, यार उसका अटैक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा है। कोई बात नहीं आग तो नहीं लगा रहा है एटलीस्ट ये। चलो मारो इसकी ऐसी की तैसी, बजाओ भाई डंडे बजाओ इसकी में। स्टन भी तो नहीं हो रहा ये गधा, और घूम अलग ही रहा है भाई साहब, स्ट्रांग है बंदा। चलो कोई नहीं, फर्स्ट ट्राई किया था, सेकंड ट्राई में मार देंगे। मैंने कहा नहीं भाई ये टेंपल जब भी मतलब आई मीन ये जो भी है ये जब भी मिलता है इसका मतलब बॉस फाइट आने वाली है। खैर अभी मेरे पास थोड़े बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं तो बॉस फाइट से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जा बड़ी, अरे भाई ये, अरे रुको भाई ये तो तैयार ही बैठा है, घूम रहा है, ये ज़्यादा दिक्कत है, घूम बहुत रहा है ये बंदा। एक सही मार लें दो मैं दोबारा आऊँगा। ले बड़ी मार ले मुझे, कम ऑन मार फटाफट, कम ऑन बढ़िया। शुरुआत में इतनी लो हेल्थ हो गई थी भाई, अटैक करने का कोई फायदा ही नहीं था, अभी से हराते हैं। आ जा कम ऑन, कहाँ भाग गया। अरे यार ये अटैक सबसे भारी है इसका, टाइम ही नहीं देता और एक ये लेटा रहता है। ओ खतरनाक हो रहा है वो यार, डॉज ही नहीं करता एक तो ये मेरा बंदा सही टाइम पे। ये ले फ्रीज कर दिया। अब बोल ना ये ले, अब बोल। ओके गाइस भाग रहा है डर के भाग रहा है। ओरे भाई ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, आजा बड़ी आजा, कम ऑन दम है तो आना। ओ शिट ओके रिचार्ज एक बार हो जाए और एक बार और डॉज करना है। रुको ओके इमोबिलाइज, कम ऑन फाइट, कम ऑन बस लास्ट अटैक, बस बहुत ही बढ़िया डॉज, कम ऑन मार दिया डिफीटेड। यस
सेकंड ट्राई बोलेंगे क्योंकि सेकंड ट्राई में तो मैं पिटके आ गया था इसलिए वापस चला गया। ओके फिनिश कर दिया इस बॉस को भी। भाई देख रहे हो तुम लोग मैं परफेक्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे इस गेम में। शुरुआत में तो टाइम लगता है बट अभी तुम लोग देखो खतरनाक ही बन चुका हूँ मैं। ओके तो ये बंदा कह रहा है भाई कोई पिल वगैरह है, इसको मारने के बाद अगर तुम वो ढूंढ लोगे तो वही तुम्हारा रिवॉर्ड है। पिल वगैरह ढूंढने के बट रुको उससे पहले ये स्पार्क्स का कुछ फायदा उठाते हैं। मुझे लग रहा है किस पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रुको इस पे हो नहीं, इसके लिए दो चाहिए। ठीक है दो होने देते हैं। ओ तेरी एक नया इक्विपमेंट डिफेंस बढ़ रहा है, बना लिया मैंने, पहन भी लिया। अभी लग रहा हूँ मैं एकदम डेंजरस बंदा। खैर पिल का उस बंदे ने कहा है भाई इसकी पिल जो कि मेरा रिवॉर्ड होगा। ढूंढते हैं रुको। ओके वहाँ कुछ साइन बना रहा है शायद, वहाँ पर है पिल, यहाँ शायद यही है क्या। ओके इस बक्से में है क्या, अभी पता चल जाएगा। ओ यस पिल सेलेशियल जेड लोटस पिल। इससे क्या होता है, ओके मैक्सिमम हेल्थ बढ़ जाएगी। मेरी मैक्सिमम हेल्थ देखो इंक्रीज हो रही है। ओ भाई साहब हेल्थ बड़ी हो गई, क्या बात है। ये ऐसी सब चीजें मिलती रहे, लाइफ एकदम मस्त चलती रहे। इधर कुछ नहीं है, नहीं ठीक है आगे बढ़ना चाहिए आई गेस। और कुछ तो नहीं है यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ है। ये सब गैदर कर लेते हैं, अभी तक मुझे पता नहीं चला इसका यूज क्या है, शायद फ्यूचर में पता चले। चेस्ट नहीं छोड़ता मैं, गोल्ड मिला है चलो, नथिंग हियर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके नाइस, अब आगे क्या है भाई, फिर से बॉस फाइट, मॉन्स्टर दो कुछ। अब तो रेडी हूँ भाई मैं, अब तो फुल रेडी हूँ, तैयारी पूरी कर ली है मैंने। वो जा रहा है वो बंदा, देखो गाइस वो जो बंदा है वो इस तरीके से जाता है आगे की तरफ, वो संग संग ही चल रहा है बस मेरे, पता नहीं हेल्प कर रहा है क्या कर रहा है। खैर यहाँ पे कुछ और बना सकता हूँ मैं, नहीं रेस्ट कर लेते हैं ताकि हेल्थ फुल हो जाएगी और अपनी बाटली भी फुल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, जंगल के और खतरनाक चीजों से मुकाबला करते हैं। आ जाओ भाई, कौन है खतरनाक, तू है भालू, भालू ब्रदर। ये सबसे इजी वाले बंदे हैं भाई, भालू ब्रदर। हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हाल चाल। और ये भालू नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है, जो भी है मार दिया, फिनिश भाई। परफेक्ट सा हो रहा हूँ मैं तो गेम के अंदर, अभी तो शुरुआत है भाई, आगे पता नहीं अभी कितने डिफिकल्ट बॉसेस आने वाले हैं, जो भी वो देखेंगे। अभी तो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है, तीन बॉस मार दिया आज। इधर क्या है भाई, सोल एक और गैदर करो भाई। चलो इधर, अरे ले भाई बाहर कैसे जाऊँ मैं, फंस गया मैं तो, यहाँ से कोई रास्ता है। ओ ये तो रहा, और मेंढक आ गया भाई, हेलो मेंढक बड़ी। और क्या कर रहा है ये, कुछ फूटा पता नहीं क्या फूटा। हेलो मेंढक बड़ी, भाई साहब मेंढक की शेप वाले मॉन्स्टर्स, यही तो चाहिएगा लाइफ में, यही तो बाकी रह गए हैं मेंढक वाले मॉन्स्टर। अबे वो लास्ट में फटते हैं मरने के बाद, ठीक है। वाओ मस्त झरना है भाई यहाँ तो पानी का। आगे भी कुछ है क्या, सोल गैदर करो भाई, ये भी सोल। मेरे अंदर से ये धुआं क्यों आ रहा है इतना, ओ उसने पॉइजन दे दिया है मुझे उस मेंढक ने। ले भाई पॉइजन कैसे हटाऊं अपने ऊपर से, अरे पॉइजन कैसे हटेगा भाई, एक सेकंड मेरे पास कुछ है पॉइजन का पाउडर, नहीं है भाई, मरमरा जाऊंगा मैं सच बता रहा हूँ। हाउ टू रिमूव पॉइजन भाई, हेल्थ बढ़ाते हैं, अभी भी पॉइजन हटा नहीं है, पता नहीं भाई कैसा ही घटिया सा पॉइजन दे दिया यार उस नालायक ने, अभी भी नहीं हटा वो पॉइजन, सीरियसली भाई क्या ही ड्रामा था भाई वो मेंढक। ओके आगे फिर से वो छोटा सा टेम्पल है आई गेस। ओह नो, हेलो सर हाउ आर यू। अरे भाई अरे तेरी ऐसी की तैसी, हल्के में ले रहा है, हल्के में मेरे को हल्के में नहीं लेने का पुत्र, ये ले बढ़िया ये ले। अरे भाई स्ट्रांग बंदा है यार ये तो, ये ले फिनिश, दो स्पार्क्स हो गए फाइनली, मैं वो आगे का इंक्रीज कर सकता हूँ। एक और टेम्पल मिल गया भाई, यार उस पॉइजन का कुछ तो इलाज ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आगे अगर बॉस फाइट के बीच में उसने मेंढक ने मार दिया तो गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल मेरे पास दो स्पार्क्स आ गए हैं, इसका मतलब मैं अब इसके अंदर का मामला पानी अनलॉक कर सकता हूँ। ईच टैलेंट लेवल मॉडरेटली इंक्रीजेस द डैमेज ऑफ द नेक्स्ट अटैक आफ्टर परफेक्ट डॉज। ओके तो इस पावर को अनलॉक करने से भाई अगर मैं डॉज करूंगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट पावर का यूज करूंगा उस पावर का जो डैमेज है वो बढ़ जाएगा, तो ये तो अच्छी चीज है। बांस के जंगलों में आ गए, अब इधर दो रास्ते हैं, इधर एंड इधर, किधर चले हैं पहले तो इधर देखते हैं कुछ है भाई। ऐसी बे मतलब कि स्ट्रक्चर बना रखे हैं, दे तो कुछ है नहीं ये लोग। अबे दो भाई, इतनी मेहनत से तुम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ तो दो। कुछ नहीं भाई कुछ नहीं दे रहे। और मैं तो पानी में ही आ गया, तो पानी के रास्ते कहाँ जा रहा हूँ मैं, मेंढक मेंढक मिलेंगे भाई इधर। और आ भी गया, लो भाई। और सांप है कि क्या है ये यार, एक तो ये पॉइजन भाई, पॉइजन ने दुखी कर दिया भाई, दुखी कर दिया पॉइजन ने। ये ले पॉइजन, ओके हटिया पॉइजन, नाइस यस मार दिया इसे। फटेगा तो नहीं तू, नहीं फटेगा नहीं, लेकिन फिर से पॉइजन मिल गया यार, क्यों है इस गेम के अंदर पॉइजन यार। एक तो रास्ते कितने हैं इधर, किन रास्तों से जाऊं मैं, कंफ्यूज कर रहे हैं भाई ये जंगल वाले। ओके ये मैं अलग ही रास्ते पे बढ़ गया हूँ और ये मैं अलग ही जगह आ गया हूँ, इधर अलग ही नमूने। हेलो सर प्लीज फाइट मी। अरे ये कैसा है, स्केलेटन है भाई इसके पास तो। अरे अरे कहाँ फंस गया, अरे जंगल में आ गया कहीं तो।
किसी तो खतरनाक जंगल में आ गया भाई। भाई ये कहाँ आ गया? और कैसे हैं ये बंदे? ठीक है ये लो भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ले फिनिश फिनिश बड़ी फिनिश। अरे थम जा सर जी थम जाओ। नाइस फिनिश्ड। और कोई तो बहुत है यार बंदे इधर। ये ले निपटा दिया सर जी, आप भी जिंदा हो जाओ। एक एक करके जिंदा मत हो भाई, सब के सब एक साथ आओ, टाइम नहीं मेरे पास। बढ़िया, मैं आ कहाँ गया? इधर आना भी था कि नहीं मुझे? बेमतलब एक कहीं भी घूम रहा हूँ यार जंगल में मैं। ओह नो, लग रहा है बॉस फाइट। ओके कौन आ गया भाई? आ गया कोई तो नमूना। अब गैस इस सकल है सर जी आपकी। घंगमू, घंगमू नाम है भाई इस बंदे का। और भाई लड़ने के लिए सारे, व्हाट क्या था ये? अरे क्या था? अच्छा लेकिन हाँ मेरी हेल्थ भी तो पहले से ही लो थी। मैं वही तो कहूँ, एक हिट में थोड़ी ना मर सकता हूँ मैं, मेरी हेल्थ लो थी गाइस इसीलिए। खैर वैसे भी सही है उसने मार दिया तो, क्योंकि मैं अभी इस रास्ते पे गया था ठीक है इधर कहीं, तो अब मैं जरा इस रास्ते पे जाने वाला हूँ। देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। ओके ये रास्ता भी सांपों के पास ही लेके आया है। और अब भाई सब दुनिया भर के सांप है इधर। अरे हम दोनों ही खाई में गिर गए। ओ वापस मैं उसी जंगल में आ गया यार, कुल मिला के जंगल से ही होके जाना है। अरे आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद दीज स्नेक्स भाई, दे मतलब मैं ये पंगे लेते रहते हैं। अरे भागने दो मुझे, भागने दो भाई। अरे कितने हैं इधर सांप भाई, दुखी कर दिया इन सांपों ने तो। अबे रास्ता, अबे वो बॉस फाइट कहाँ गई जो अभी बॉस फाइट मिली थी? सांपों से क्यों लड़ रहा हूँ मैं? मुझे बॉस फाइट चाहिए। आई मीन देखना है मुझे आखिरकार वो कितना स्ट्रांग है। 6 रेलिक्स तो पता नहीं भाई कभी मिलेंगे, मुझे तो लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला है वो 6 रेलिक्स ढूंढने में। इतने कंफ्यूजिंग इस जंगल के रास्ते ही है। वो रहा वो बॉस फाइट वाला बंदा। अबे मेरी हेल्थ पहले से ही लो है, तू क्या भेज रहा है गुंडे वगैरह? मेरी हेल्थ पहले से ही लो है बड़ी, तू मत भेज। ओके अरे क्या है इसके पास? जादू, तू क्या जादूगर है? जादूगर बड़ी। और भाई सब ठीक है, जादूगर लौंडा ही है। ये लो सर जी, ये लो और ये लो एक जोरदार लाठी, और एक और लो। ओ भाई ठीक है नाइस ब्रदर, आई एम कमिंग फॉर यू। ले बड़ी ले, एक सेकंड गाइस, रुको, चल ब्रदर ठीक है, मारो भाई। ओके वेट भाई, सांप ही सांप छोड़ रहा है, जहर छोड़ रहा है भाई दुनिया भर का। ओके हेल्थ तो लो कर दिया उसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन सांपों ने परेशान कर दिया उसके। यार इसके ये सांप कितने बेकार हैं। ये जादूगर है यार, लौंडा तो जादूगर ही निकला। ओके मेरी हेल्थ लो हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज स्नेक्स, वरना तो मैं बच गया हूँ यार, मर जाऊंगा मैं जहर की वजह से। उसके अटैक से नहीं मर रहा हूँ मैं, जहर से मर गया। मर जा सुअर, वो देखो सांप कहाँ से निकल रहा है उसके। मुझे लग रहा है उसके लिए वो सांप वाला जो पाउडर है वो खरीदना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर बिकता है, ये रहा स्टोर में, यहाँ पर पॉइजन वाला, ये रहा पॉइजन स्टेट ठीक है। इस पाउडर को परचेज करके मस्त फाइट करेंगे नेक्स्ट टाइम। फिलहाल आज 3-3 बॉसेस को हराया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मे बी हम लोग इस गेम के अंदर अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।